बिग बॉस ने खेला है डबल गेम और कौन से सदस्य को कौन सा मकान मिला है और इन्हीं सब के बीच में बिग बॉस ने चली है अपनी चाल। चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फोर्स। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर प्रोमो आउट किया गया है, बिग बॉस का नया प्रोमो आउट किया गया है और जहां हम देख रहे हैं कि भाई अंकिता और विक्की दोनों को ही यहाँ पर कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, जहां बिग बॉस हैं जो अंकिता को ऑफर देते हैं। वो हालांकि दिमाग वाले मकान में जाना चाहती है क्योंकि वहां विक्की है, तो इसीलिए यहाँ पर अंकिता को बिग बॉस ऑफर देते हैं कि आप दिल वाले मकान में वापस जा सकती हैं और अगर आप नील की जगह विक्की को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट करती है तो अंकिता साफ मना कर देती है। विक्की भी कुछ ऐसा करते हैं, विक्की को भी ऑफर दिया जाता है, विक्की भी मना कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ही मना कर देते हैं इस ऑफर को लेने से। लेकिन इसके बाद विक्की से एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर आप अंकिता को नहीं नॉमिनेट करना चाहते हैं तो आप अपने मकान से किसको नॉमिनेट करना चाहेंगे। अनुराग का नाम लेते हैं बिग बॉस और सीधे यहाँ पर विक्की हामी भर देते हैं। यहाँ पर डबल गेम कैसे खेला, कल ही के एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर विक्की और अनुराग बात कर रहे थे कि भाई एक दूसरे को डिच नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ देंगे। अब ये बात बिग बॉस को पसंद नहीं आई तो बिग बॉस ने यहाँ पर अनुराग और विक्की के बीच में दरार डाल दी क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग बढ़ रही थी। बिग बॉस ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, जिसके बाद यहाँ पर ये सवाल बिग बॉस ने विक्की से पूछा कि आप अनुराग को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। जिसके बाद बिग बॉस ने कहा ये तो सिर्फ एक मजाक था, सीरियस नहीं था। यहां पर विक्की फंसते हुए नजर आए। फिलहाल अब कौन किसको कौन सा मकान मिला है, सभी लोग अपने अपने मकान में जा चुके हैं लगभग। तो आपको बता दे कि दिल वाले मकान में मुनव्वर, ईशा, समर्थ, रिंकू, नील, मनारा है जो शो के बारे में सोचते हैं। दिमाग वाले रूम में अरुण और ऐश्वर्या हैं। दम वाले रूम में विक्की, अंकिता, खानजादी, अनुराग, अभिषेक और सना है। तो ये इन लोगों को मकान मिल चुका है और मकान में बहुत ही फेर बदल हुआ है, जहां नील और ऐश्वर्या को इस बार अलग कर दिया गया है। जी हाँ, नील और ऐश्वर्या को अलग कर दिया है। अब इसके बाद देखना होगा कि इन दोनों का गेम किस तरीके से दिखता है। तो अब बिग बॉस भाई गेम पे गेम खेल रहे हैं, इस बार बिग बॉस भी अपनी चाल चलने से चूक नहीं रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस में मतलब विक्की को और अनुराग के बीच में दरार तो डाल दी है बिग बॉस ने, इसका क्या तमाशा होता है ये तो एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।